मेरा जिस मेरी मर्जी, मार भी सरमट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, क्यों क्यों ये आजादी मांग रही है पाकिस्तान की लड़कियां, पाकिस्तान की औरतें, मार भी सरमट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान के नामर्दों को डंडा दे के रखा हुआ है। डंडा माने तो पाकिस्तान के मर्द चाहते हैं कि हमारी जो औरतें हैं वो सिर्फ हमारे बस में रहे, जो हम बोलेंगे वो करेंगे, जब हम बोलेंगे तब टपाटप करेंगे, जब हम नहीं बोलेंगे तब कुछ नहीं करेगी। तो लेकिन पाकिस्तान की औरतें ने, पाकिस्तान की लड़कियों ने रैलियां निकालना शुरू कर दी हैं। औरत मार्च होगा 8 तारीख को, पाकिस्तान की औरतें और लड़कियां सड़कों पे निकलेगी, हमें आज़ादी दो, मेरा जिस्म मेरा यानी कि मर्जी होगी, मेरे जिस्म पे मेरी मर्जी चलेगी, अब पाकिस्तान के नामर्दों की कोई भी मर्जी नहीं चलेगी। अब जो मारवी सरमट है, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, जिन्होंने हैशटैग ट्विटर में यानी कि ट्वीट किया है, हैशटैग ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान के 2% के मर्द, तो ये औकात है यानी कि पाकिस्तानी के। मैं मेरा यानी कि वीडियो बनाने का मकसद थोड़ा सा उन पाकिस्तानी यूट्यूबरों को उनकी औकात बताना है जो सिर्फ इंडिया पे भूमते हैं, इंडिया के नाम पे भीख मांगते हैं। तो मेरा बताने का ये मकसद है, वीडियो बनाने का मकसद है, जो औरतें जो सड़कों पे निकलेगी, अब क्या करेगी औरतें, यानी कि पाकिस्तान की औरतें ये करेंगी, उनका ये कहना है कि अब हम जब यानी कि जब चाहेंगे पति के साथ संबंध बनाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में एक ऐसा यानी कि लड़कियों के साथ यानी कि व्यवहार किया जाता है, उनको यानी कि एक ऐसी उसमें रखा जाता है, यानी कि पाकिस्तान की औरतों को ये कहा जाता है कि तुम सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन हो और बाकी तुम कुछ नहीं हो। तो कुछ जिनको यानी कि दिमाग है, जिन्होंने सोचा कि नहीं हमें भी आज़ादी चाहिए, हम भी अपनी मर्जी कर सकते हैं। देखिए, जब पाकिस्तान में कोई भी लड़की अपनी मर्जी की शादी नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी उम्र हो, चाहे उसकी 15 साल 18 साल से ऊपर भी की उम्र हो, वो अपनी मर्जी शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के ऐसे रूल, अगर वो जबरदस्ती अगर किसी से लव मैरिज करती भी है तो उसे या तो मार दिया जाता है या तो फिर उसकी जबरदस्ती शादी वहां करा दी जाती है जहां पे उनके अम्मी अब्बू चाहते हैं। तो अब पाकिस्तान की औरतों की आंखें खुल चुकी है, अब वो पाकिस्तान के नामर्दों को जवाब देना शुरू हो गई है कि अब तुम्हारी नहीं चलेगी। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए औरतों के साथ जोर जबरदस्ती करना, अगर एक पति भी अपनी पत्नी के साथ कोई ऐसी हरकत करता है जिसे यानी कि पत्नी को लगे कि नहीं ये मेरे साथ यानी कि मुझे फोर्स कर रहा है, तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अगर वो पत्नी चाहे तो। लेकिन पाकिस्तान की जो लड़की मारवी सरमट जिन्होंने ये यानी कि मुद्दा उठाया, यानी कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी की जो यानी कि ट्रेंड कर रहा है, बहुत ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में, तो काफी सारी लड़कियां यानी कि सारी औरतें उनके साथ है, लेकिन पाकिस्तान के नामर्द उनके साथ नहीं है। क्योंकि अगर ये यानी कि हो गया, कोर्ट से फैसला आ गया कि अगर ये हो गया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी की अगर ये मालिक बन गई, तो पाकिस्तान के नामर्दों की एक भी नहीं चलेगी, फिर वो पाकिस्तान के नामर्द अपनी औरतों पे हुक्म नहीं चला सकते और पाकिस्तान की लड़कियों की जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो लड़कियां उनको जबरदस्ती चाइना भेजा जाता है, पाकिस्तान के द्वारा उन्हें बेचा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के यूट्यूबरों और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई भी यानी कि लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपना ही एक रूल बनाया है। और मैं मारवी सरमट को कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही है, आप करते रहिए, पाकिस्तान की लड़कियां और औरतें आपका जो साथ दे रही है बहुत अच्छी बात है, आप रैलियां निकालिए और मार्च करिए सारी, मैंने देखा कि बहुत लड़कियां और बहुत औरतें तुम्हारी साथ है, तो आपका जिस्म और आपकी मर्जी चलेगी। सो गाइस, वीडियो को शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।